हेलो स्टूडेंट्स, अभी अपने स्टार्ट कर रहे सम नंबर 14 राज मशीन लिमिटेड। मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। राज मशीन लिमिटेड इश्यू 12 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। राज कंपनी ने 12 लाख शेयर्स इश्यू किया है, एक शेयर की वैल्यू है 10। तो सबसे पहले यहाँ पर शेयर इश्यू 12 लाख, 10 रुपीज का शेयर से 12 लाख 10 रुपीज लिख दिया। नेक्स्ट है ऑन विच अमाउंट वॉज पेबल एज अंडर 3% ऑन एप्लीकेशन, 4% ऑन अलॉटमेंट, 3% ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तीन तरह से पैसा मंगवाया है, एप्लीकेशन के साथ 3, अलॉटमेंट 4, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रुपीज 3। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ ही है एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 4, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रुपीज 3। नेक्स्ट है कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन 14,70,000 शेयर्स। कंपनी को इश्यू किए थे 12 लाख, 14,70,000 के शेयर्स की एप्लीकेशन मिली है। तो यहाँ पर एप्लीकेशन रिसीव्ड में मैंने लिख दिया 14,70,000, शेयर इश्यू किए थे तो 12 लाख, पैसे मिले 14,70,000 के। इट मीन्स ज़्यादा पैसे मिले हैं। इसके दो नाम है, एक्सेस एप्लीकेशन या दूसरा नाम है ओवर सब्सक्रिप्शन। इसमें से इसको माइनस करेंगे, 14,70,000 माइनस 12 लाख, 2,70,000, इसको बोलते हैं अपने एक्सेस एप्लीकेशन या तो ओवर सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट पढ़ते हैं, एक्सेस एप्लीकेशन वेर रिजेक्टेड। ध्यान रखना है, एक्सेस एप्लीकेशन जो ज्यादा पैसे मिले हैं उसको क्या कर दिया है कंपनी ने, रिजेक्ट कर दिया है। एंड मनी पेड ऑन देन वॉज रिफंडेड, और उसका पैसा कंपनी ने वापस कर दिया। कंपनी पैसा वापस करती है तो बैंक अकाउंट में लिखा जाता है, और वो भी क्रेडिट में। क्यों? पैसा जा रहा है, गोज आउट क्रेडिट। नेक्स्ट है आकाश हु वॉज एलोटेड 2,000 शेयर्स। एक आकाश करके है, उसको 2,000 शेयर्स कंपनी ने अलॉट किए हैं। डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल। 2,000 शेयर्स है, उसने अलॉटमेंट का फाइनल कॉल का पैसा नहीं भरा है। सन्नी हु वॉज एलोटेड 1200 शेयर्स डिड नॉट पे फाइनल कॉल। सन्नी के 1200 शेयर्स थे, उसने फाइनल कॉल का पैसा भरा नहीं है। तो इसकी कैलकुलेशन अपने लिख रहे हैं, आकाश के 2000 शेयर्स, उसने कौन सा पैसा नहीं भरा है, अलॉटमेंट का। अलॉटमेंट के आगे कैंसिल कर देता हूँ। फिर कौन सा नहीं भरा है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के आगे कैंसिल। इट मीन्स उसने सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा भरा हुआ है, राइट कर देता हूं। सन्नी 1200 शेयर्स थे, कौन सा पैसा नहीं भरा है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, यहां पे मैं कैंसिल कर देता हूं। इट मीन्स उसने ये दोनों पैसे भरे हैं। टोटल दोनों के मिला के 3200 शेयर्स हो रहे हैं, ये प्लस ये 3200। नेक्स्ट पढ़ते हैं, कंपनी फोरफिटेड ऑल द शेयर्स। दोनों के शेयर्स कंपनी ने क्या किए, फोरफिट किए। ऑन विच कॉल्स वेयर अनपेड एंड रीइश्यू ऑल फोरफिटेड शेयर्स, और वो कंपनी ने क्या किया है, रीइश्यू किया है एट रुपीज 7 पर शेयर्स। 7 रुपये से कंपनी किसी और को बेच दिया है एज ए फुल्ली पेड अप पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनीज फॉर अबव ट्रांजेक्शन। अब ध्यान रखना है, रीइश्यू किया है कंपनी ने 7 रुपये से, एप्लीकेशन की 2 एंट्री करेंगे, अलॉटमेंट की 2 एंट्री करेंगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की 2 एंट्री करेंगे, फिर फोरफीचर की, रीइश्यू की, और लास्ट कैपिटल रिजर्व की एंट्री करनी है। चलिए एप्लीकेशन की 2 एंट्री। 14,70,000 के कंपनी को पहले पैसे मिले हैं, 14,70,000 इंटू एप्लीकेशन के साथ है 3 रुपीज। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 14,70,000 इंटू 3 कितना आएगा मल्टीप्लाई में, 44,10,000, 44,10,000, और यही अमाउंट यहां पर लिखेंगे 44,10,000। ध्यान रखना है,
बट कंपनी ने तो शेयर इश्यू किया था 12 लाख, तो 12 लाख इंटू थ्री इक्विटी शेयर कैपिटल में 12 लाख इंटू थ्री 36 लाख। सब में क्लियरली लिखा था एक्सेस जो था, एक्सेस यानी जो ज्यादा पैसा मिला था कैसे आया था, यहां पे अपने ने लिखा हुआ है ये रहा पैसा, पैसे मिले 14,70,000 के, शेयर इश्यू किए थे 12 लाख, जो ज्यादा पैसा था वो रिफंड किया, पैसा रिजेक्ट किया, तो बैंक में लिखेंगे 2,70,000 इंटू थ्री 8,10,000। एप्लीकेशन की दो एंट्री, अब आएगा अलॉटमेंट। अब ध्यान रखना कंपनी के पास सिर्फ और सिर्फ 12 लाख सीसी है, 14,70,000 नहीं है। क्यों? 2,70,000 जो ज्यादा थे वो तो अपने ने रिफंड कर दिए। अब सारा जो सम है वो 12 लाख से करना है। अब अलॉटमेंट कितने रुपए का है? 4 रुपीज का, तो 12 लाख इंटू अलॉटमेंट 4 है, तो 12 लाख इंटू 4 48 लाख, 48 लाख। और यहां पर भी अलॉटमेंट में लिखेंगे 48 लाख, बट ध्यान रखना है 2000 वाले ने अलॉटमेंट का 4 रुपया नहीं भरा हुआ है। जो पैसा नहीं भरता है उसके आगे लिखा जाता है कॉल्स इन एरियस, तो यहां पर 2000 इंटू 4 8000 नहीं मिला है, उसके आगे अपने लिखेंगे कॉल्स इन एरियस अकाउंट। लेने थे कितने? 48 लाख। कितने नहीं मिले? 8000। 48 लाख माइनस 8000 47 लाख 92000। कैसे आया? इसमें से इसको माइनस किया, एप्लीकेशन की दो एंट्री, अलॉटमेंट की दो एंट्री। अब फर्स्ट कॉल 12 लाख शेष, फर्स्ट कॉल के साथ 3 है, 12 लाख इंटू 3 36 लाख। और यहां पर भी 36 लाख। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दो जनों ने नहीं भरा है, 2000 ने वाले ने भी नहीं भरा है और 1200 वाले ने भी नहीं भरा है। 2000 प्लस 1200 3200, ध्यान रखना है। देखिए इसने भी नहीं भरा है, इसने भी नहीं भरा है, दोनों ने पैसे नहीं भरे। 2000 प्लस 1200 3200 पैसे नहीं भरे है, तो कॉल्स इन एरियस में लिखना है 3200 इंटू 3 9600। इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये माइनस ये 35 लाख 90,400, यानी कि इतना पैसा नहीं मिला है तो बाकी का पैसा मिला होगा, ये माइनस ये किया। अब कंपनी ने क्या किया है? दोनों के शेयर फोरफिट कर लिए हैं, तो फोरफीचर की एंट्री आएगी। सबसे पहले फोरफीचर में इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 3200 इंटू 10 32,000। जो पैसा नहीं भरा है यानी जिसके आगे चौकड़ी है उसका नाम आता है, तो सबसे पहले एक जन ने अलॉटमेंट नहीं भरा था तो यहाँ पे नाम लिखने का अलॉटमेंट अकाउंट। फिर दोनों ने क्या नहीं भरा था? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का नाम लिखने का अलॉटमेंट में 2000 इंटू 4 यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, 8000 नहीं भरा था। फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दोनों ने नहीं भरा था, 3200 इंटू 3 9600। अब फोर फीचर की अमाउंट निकालनी है, इसमें से ये दोनों माइनस करेंगे, 32,000 माइनस 8,000 माइनस 9,600 14,400, ये माइनस ये दोनों 14,400। अब यही शेयर रीइश्यू किए हैं, रीइश्यू का मतलब किसी और को बेचे हैं। क्या भाव से बेचे हैं? 7 रुपये से बेचे, 3200 इंटू 7 22,400, चेक कर लेना, 3200 इंटू 10 32,000, ये माइनस ये, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आएगा 9,600। अब लास्ट एंट्री फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ध्यान रखना है इसका फोरफीचर कितना है, ये वाला 14,400 और इसका फोरफीचर कितना है 9,600। फोरफीचर माइनस फोरफीचर,
इसमें से इसको माइनस करेंगे तो लास्ट एंट्री आएगी फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल यूजर अकाउंट 14,400 माइनस 9,600 तो आएगा 4,800 ओके फ्रेंड्स थैंक यू।